वाला किए थे अभी लिमिटिंग रिएजेंट के आगे देखो जो टॉपिक तुम लोग सीखने वाले हो वो कौन सा है पी ओ ए सी ठीक है पी ओ ए सी का जैसे अगर मैं फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं बल्कि आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है जो तुम लोगों ने बचपन से सीखा है करके कि एक रिएक्शन में हम लोग कभी भी आ, मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते राइट right? मास आपका हमेशा कंजर्व रहता है मैं कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रही हूँ राइट right? और उसमें आप हमेशा क्या होता है आपका रिएक्टर में जितना टोटल मास है उतना ही टोटल मास तुम लोगों के कहाँ पे होता है करके प्रोडक्ट साइड में भी होता है तो एक्चुअल में हम कभी भी जो छोटी क्लासेस में अगर रिएक्शन को बैलेंस भी करते हैं ठीक है तो हम लोग जब रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं ठीक है रिएक्शन को हमारे बैलेंस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है करके कि आपके दोनों तरफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए वैलिड होना चाहिए तो पी कुछ और नहीं है बल्कि तुम्हारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही बेस्ड है ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही ये डिपेंड करती है अब अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूँगी कि एक रिएक्शन में मास कन्ज़र्व है ठीक है तो अगर मास कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट में जितना भी मांस रहा होगा उतना ही मांस आपका प्रोडक्ट साइड में भी है अब मांस अगर कंजर्व है तो देआर क्या हम ये नहीं कह सकते मास गिफ्ट की, की वजह से मानता है कि इसकी वजह से और सारी वजह से एटम्स की वजह से होता है और एक के आप एटम्स की वजह से एटम्स का तो मास का ऐसे आएगा नहीं रिएक्शन में होता है मास कंजर्व ई का मतलब रिलीज मतलब वही के क्या है कि मतलब रिएक्शन में का मतलब रिएक्शन में एटम्स लें आपके क्या बने और होते कंजर्वड होते हैं एटम्स आप लोग ठीक है एटम्स का नंबर और क्या है कंजर्व मास कंजर्व एटम्स एटम्स कंज बराबर है अग सोचो, अच्छा पहले कुछ सोच हम लोगों ने जब लोग कंजर्व करने जब रूल कैसे करना है सुनो कि वो आप लोगों लोगो को मैंने एटम्स के बारे, आटंस आटंस क्या बारे क्या वाने क्या वाने में क्या बनते के बारे में क्या एटम्स क्या होते हैं हाइड्रोजन होते हैं तुम लोग जैसे आप लोग जैसे नंबर ऑफ एटम्स नंबर एक बार भेज दे कि बोला है नहीं और लोग और अगर किसी रिएक्शन में इसी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व एटम्स कंजर्व बराबर

एटम्स कंजर्व होते हैं एटम्स की वजह से रिएक्शन में मोल्स भी कंजर्व होते हैं बस बात खत्म यही पी ओ ए सी है तुम्हें जो शीट वगैरह मिली है उसमें तुम पी ओ ए सी की स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हो मैं स्टेटमेंट वगैरह भी लिखवा के नहीं दे रही हूँ ठीक है उसमें रीड वगैरह कर लेना उसके पार्ट को बट यही आपका पी ओ ए सी है अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि पी ओ ए सी का एडवांटेज क्या है देखो हर बार कैसा होता है तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है तुमने अभी अगर पैरेलल रिएक्शन सॉल्व की है सिक्वेंशियल रिएक्शन सॉल्व की है ठीक है सादा मोल मोल एनालिसिस अगर लगाया है लिमिटिंग रिएजन वाला कंसेप्ट लगाया है तो क्या होता है कि आपको हमेशा रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है रिएक्शन तो चलो हो सकता है आपकी बैलेंस हो भी ही जाए तुमने क्योंकि बैलेंसिंग छोटे स्टैंडर्ड में सीखे होते हैं बट मान लेते हैं कई बार रिएक्शन में ऐसी हरकत वो कर देता है करके कि आपको जैसे दे दिया है के सी एलो थ्री की हीटिंग तुम में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता भी होगी करके के सी एल ओ सी को ही तो के सी एल प्लस ओ टू बनेगा बट मान लेते किसी को कि ले इंसान की फ्लॉय के उसको इतनी बेसिक रिएक्शन नहीं पता बट मान लो कल को कोई एक ऐसी रिएक्शन तुमको मिल गई जिसमें वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका ए है ए में मैंने कुछ आप लोगों के रिएजेंट डाले और रिएजेंट डालने के बाद एक प्रोडक्ट बना पी तो बताओ प्रोडक्ट का आप लोगों के पास मास कितना है वॉल्यूम कितना है तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डाले हो वो तक मेंशन नहीं किया है तो जब रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के ठीक है प्रोडक्ट साइड का अगर बाई प्रोडक्ट ही आपको नहीं पता है कि बाई प्रोडक्ट क्या बना है और रिएक्टेंट साइड में कौन सा रिएजेंट तुम यूज़ की हो यही तुमको नहीं पता है तो तुम बैलेंसिंग कैसे करोगे करके राइट अगर मैं सिंपली ये वाली चीज़ इतनी लिख दूँ करके कि फॉस्फोरस पी फोर के फॉर्म में रहता है उसकी एटोमेसिटी वो एक आपके रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर गया है और उसने एच थ्री पी ओ फोर बनाया है और साथ में बाकी प्रोडक्ट्स भी बने हैं और मैं कहूँगी कि, कि अब इस रिएक्शन में आप कैसे मोल मोल एनालिसिस लगाओ तो तुम मोल मोल एनालिसिस ही नहीं लगा सकते क्योंकि यही नहीं पता तुम्हें यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डाला गया है तुम्हें यही नहीं पता कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे है क्योंकि मोल मोल एनालिसिस के लिए बैलेंसिंग ज़रूरी है और बैलेंसिंग के लिए रिएक्शन ज़रूरी है है ना तो मूल मूल एनालिसिस और लिमिटिंग रिएजेंट का ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस्ड चाहिए बराबर आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए अब बैलेंस्ड रिएक्शन हमेशा कर पाना या हमेशा प्रोडक्ट ऑप्टेन कर पाना ये पॉसिबल तो होगा नहीं हमारे लिए तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं पीओ को अप्लाई करते हैं पीओ इतना सिंपल कंसेप्ट है कि इसके लिए आपको कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड नहीं पड़ेगी बिना बैलेंस के भी इससे फटाफट फटाफट आंसर्स आते हैं पहले पीओएसी अप्लाई कैसे करना है ठीक है वो पीओएसी का एप्लीकेशन मैं तुम्हें सिखा देती हूँ फिर उसके बाद हम लोग बारे बारे आगे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में बनेंगे तो देखो जैसे अगर एक सिंपल रिएक्शन से पहले हम लोग अगर स्टार्ट करें तो अगर मैं यहाँ लिख के दी हूँ कि के का अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करो तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है के सी एल एन साथ में ओ टू ठीक है अब मैं अगर तुमसे कहूंगी कि तुम्हें पी ए सी लगाना है तो देखो पी ए सी हम कैसे लगाते हैं उस चीज़ को सीखना है ढंग से पी ए सी एक पर्टिकुलर एटम पे लगाया जाता है क्योंकि एटम कन्ज़र्व है कभी भी कोई मॉलिक्यूल कंजर्व नहीं रहता है जैसे कि रिएक्टेंट साइड में आपका मॉलिक्यूल कौन सा है के सी एल ओ थ्री क्या तुम्हें प्रोडक्ट साइड में कोई के सी एल ओ थ्री का मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा ना तो इसका मतलब आप लोगों के जो ये है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें कभी भी मॉलिक्यूल का कंजर्वेशन नहीं होता है हमेशा कंजर्वेशन किसका होता है आपके एटम का तो पी हमेशा किस पे लगाई जाती है एटम्स पे ठीक है ना कि कभी एक पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर राइट तो मैंने अब तुम्हें पी लगाना सिखाना है तो देखो पी कैसे लगाते हैं अब पी ओ लेट से मेरा मूड है कि मुझे पोटेशियम पे लगानी है तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पर कि अप्लाइंग पी ओ ए सी ऑन आपका के ठीक है ऑन पोटेशियम आइटम अब बाकी आइटम पे भी लगा सकते हो मैं लगा के दिखा रही हूँ एक एक करके बट अगर पोटाशियम पे लगाना है तो किस तरीके से रहेगा तो इस तरीके से रहता है कि आपके पास रिएक्टेंट साइड में पोटाशियम के कितने मोल्स हैं ठीक है आपके पास रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम के कितने मोल्स हैं और इक्वल टू आपके पास रिया प्रोडक्ट साइड में ठीक है कितने मोल्स हैं पोटेशियम के ठीक है मोल्स ऑफ के एटम्स पोटेशियम एटम्स इन रिएक्टेंट साइड जो आपका रिएक्टेंट है उस तरफ कितने हैं इक्वल टू मोल्स किस चीज़ के बताओ पोटेशियम के कहाँ पर आपके प्रोडक्ट साइड में इसे हम लोग कहते हैं पी ओ ए सी अब जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपन ने जब मोल कन्सेप्ट का सीखे थे तो मोल कन्सेप्ट का फर्स्ट वीडियो सीखने के बाद तुम लोगों को मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए थे उन न्यूमरिकल्स में मैंने तुम्हें ये चीज़ सिखाई है करके कि किस तरीके से अगर एक पर्टिकुलर एटम के मोल्स निकाले जाते हैं right? राइट उस पर्टिकुलर एटम्स के मोल कैसे निकाले जाते हैं सिखाया है तो उस चीज़ को अगर भूल गए हो तो वहाँ देख लेना लेकिन अभी मैं बता दे रही हूँ कैसे निकालते हैं देखो बहुत सिंपल है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पोटेशियम के कितने एटम्स हैं वो देखो तो यहाँ पे तो पोटेशियम का इस केसी एलोथ्री में एक ही एटम है तो एक मल्टीप्लाई बाय उस पूरे के पूरे केसी एलोथ्री के मोल्स ये ऐसे ऐसे निकालते हैं हम लोग इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में तुम्हें कहाँ कहाँ के सी एल दिख रहा है मतलब के कहाँ कहाँ दिख रहा है तो एक ही तरफ है के इधर तो वहाँ पे भी जिस तरफ है जिसके पास है कितने हैं एक है मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ के सी एल ये ऐसे लगाते हैं ख़त्म हो गई हमारी पी ओ ए सी बस ख़त्म अब अगर मान लेते हैं यही पी ओ ए सी तुम्हें क्लोरीन आइटम पर लगानी होगी तो तुम इस पी ओ ए सी को क्लोरीन आइटम पर कैसे लगाओगे अभी रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन एटम जिसके पास है उसके कितने मोल्स तो किसके पास है आपका क्लोरीन एटम उसके अंदर क्लोरीन कितने हैं एक मल्टीप्लाई बाय जिसके पास है उसके मोल्स इक्वल टू जो तुम्हारा प्रोडक्ट साइड है तो प्रोडक्ट साइड में आपके पास सी के कितने एटम्स दिख रहे हैं एक मल्टीप्लाई बाय इस तरीके से मोल्स ऑफ के खत्म ठीक है अब अगर मान लेते हैं तुम्हें ऑक्सीजन आइटम पे पीओ लगानी होगी तो ऑक्सीजन आइटम पे कैसे लगाओगे में देखो केसी के पास कितने ऑक्सीजन है तीन ठीक है ये देखो ऐसे ये ऐसे ठीक है ये होती है बस पीओएसी अब इसके आगे जरूरी नहीं है ना कि हर बार इंफॉर्मेशन मोल्स में हो तुम तो उस जो इंफॉर्मेशन आपकी मोल्स में है क्या तुम तो उसको मोलर मास, मास में ही कन्वर्ट कर सकते ठीक है एक मिनट ओके okay. तो कंटिन्यू करते थे अभी लेट से तुम्हें कहीं दूसरी चीज़ पे मैंने पी ओ लगाने को कहा लेट से इसमें मैंने कहा कि इसमें पी ओ लगाओ आपने मीथेन को बर्न किया तो सी एच फोर प्लस ओ टू ये आपको दे रहा है सी ओ टू और प्लस में कितना एच टू ओ अब यहाँ पे तुम्हें पी ओ लगानी है आप लोगों के कार्बन आइटम पर तो अगर कार्बन आइटम पर पी ओ लगानी है तो देखो रिएक्टेंट साइड में कार्बन आइटम कहाँ है यहाँ पर है कितने है इसके पास यहाँ पे देखो कितने है? इसको बैलेंस करने की बिल्कुल नीड नहीं है बिना बैलेंसिंग किए तुम पी लगा सकते हो ठीक है बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं पड़ती है ठीक है तो यहाँ पे देखो कितना है आपके पास एक कार्बन आइटम वन मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे मोल्स ऑफ सी एच फोर इक्वल टू में प्रोडक्ट साइड में भी एक ही कार्बन आइटम है तो वन इन टू मोल्स ऑफ सी ओ टू अब आपने हाइड्रोजन आइटम पे लगानी है तो हाइड्रोजन आइटम में कैसे लगाएंगे लेट से पी ओ एसी रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन आइटम कितने हैं फोर है ठीक है मल्टीप्लाई बाई किसके पास है उसके मोल्स तो ये प्रोडक्ट साइड में किसके पास है दो हैं और आपके वाटर के पास है तो मोल्स ऑफ वाटर अगर मान लेते हैं कि तुम्हें पी ओ ए सी ऑक्सीजन आइटम पर लगानी हो तो ऑक्सीजन आइटम पर कैसे लगाओगे रिएक्टेंट साइड में दो हैं मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ ओ टू इक्वल टू अब यहाँ ध्यान देना प्रोडक्ट साइड में दो लोगों के पास है एक बार इसके पास है एक बार इसके पास है तो कैसे लगाएंगे वहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ सी ओ टू प्लस में कितना वन मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ एच टू ओ अगर कोई पर्टिकुलर एटम आपके पास मोर देन टू स्पीशीज के पास होता है तो दोनों का आपको क्या करना है एडिशन करना है करके ठीक है ये इतना इजी पार्ट है देखो ठीक है अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देती हूँ उसमें पी ओ लगाओ आपके पास फॉस्फोरस है पी फोर प्लस यहाँ पे कितना एच एन ओ थ्री तो ये रिएक्ट होकर बना रहा है एच थ्री पी ओ फोर इसे फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं हम लोग प्लस साथ में यहाँ पर है एन ओ टू और साथ में आपका एच टू ओ अब तुम्हें यहाँ पे पी ओ सी लेट से मैंने कहा फॉस्फोरस एटम पे अप्लाई करनी है तो कैसे करोगे फॉस्फोरस एटम पे आप पी ओ ए सी ठीक है फॉस्फोरस के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं उसको देखो चार हैं राइट right? सिर्फ और सिर्फ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों के पास फोर मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ पी फोर प्रोडक्ट साइड में देखो कितने हैं प्रोडक्ट साइड में तो एक ही है तो वन इन टू मोल्स ऑफ एच थ्री पी ओ फोर करके ये ऐसे लिखते हैं समझ लो किस तरीके से पी ओ ए सी लगाई जा रही है करके ठीक है तो अब मेरे हिसाब से पी ओ ए सी लगाना तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं देगा एक बार ऑक्सीजन आइटम में यहाँ पे लगवा लेते हैं ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम में लगाती हूँ तो रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ एच एन ओ थ्री इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में आपके क्या आएगा फोर मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ एच थ्री पी ओ फोर प्लस में आएगा टू मल्टीप्लाई बाय आपके क्या मोल्स ऑफ एन ओ टू और प्लस आपके पास वन मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ एच टू ओ करके ठीक है ये दिख रहा है कैसे लिखा गया करके एच टू ओ समझ गए कि पी ओ ए सी कैसे अप्लाई करनी है सिमिलरली तुम उसमें नाइट्रोजन के लिए भी लगा सकते हो बट क्या लगाना नाइट्रोजन के लिए क्या आना है वन इंटू मोल्स ऑफ एच एन ओ थ्री और वन इंटू मोल्स ऑफ एन ओ टू ठीक है अब देखो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चन से आपको सीखना है कि पी ओ ए सी के सवाल कैसे अटैम्प करते हैं एक बात याद रखना कि जितने भी सवाल तुमने लिमिटिंग रिएजेंट वाले कंसेप्ट से किए हो वो सारे के सारे सवाल आप क्या कर सकते हो करके ठीक है पी ओ ए सी से कर सकते हो आराम से तो पी ओ ए सी एक ऐसा कंसेप्ट है जो तुम्हें करके आ, करके कहीं भी आसानी से निकाल देगा राइट right? वहाँ पे कभी आप अटकोगे नहीं बट ये है कि पी ओ ए सी अप्लाई करते आना चाहिए और अगर लेट्स बैलेंसिंग नहीं बन रही है या फिर वो इन्फॉर्मेशन ही सफिशेंट नहीं है बैलेंसिंग के लिए तो तुरंत अपना दिमाग कैसे पी ओ ए सी की तरफ़ दौड़ा लेना देखो क्या बोला गया है यहाँ पे कि आपके पास ये कोई एक आ, रिएक्टेंट है ठीक है डॉट यहाँ पे टू एच टू ओ डॉट बोलते नहीं हैं वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है और उसके बाद बोल रहा है कि कुछ तो रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के साथ रिएक्शन होने के बाद ये वाली चीज़ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई आपके सी ओ टू में ठीक है वो वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई है सी ओ टू में यानी कि आपके पास के एच थ्री और उसके बाद सी टू ओ फोर होल्डाइज टू है इसमें हमने कुछ तो इसके साथ रिएक्शंस की कि कुछ तो रिएक्शंस होने के बाद ये सारा का सारा चीज कन्वर्ट हो रहा है CO2 टू में लेकिन और भी कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा मतलब बाई प्रोडक्ट भी हो रहे होंगे कुछ और आपने जो रिएजेंट डाले होंगे वो रिएजेंट भी यहाँ होंगे बट उसको मैंशन नहीं किया है हमें वो जानना भी नहीं है बस इसमें एक स्टेटमेंट ढूंढो करके कि यहाँ पे देखो लिखा क्या है ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ में जितने भी कार्बन एटम्स थे तो यानी कि इससे एक तुम्हें प्रिडिक्शन और कह सकते हो उसको अजोल्यूशन ये करना है कि अगर इसके साथ कोई दूसरा रिएजेंट डाला भी गया होगा तो उस रिएजेंट में कार्बन एटम्स नहीं है ठीक है उसमें कार्बन एटम नहीं है कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ आपके इसी सबस्ट्रेट में है तो इसके पास जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो इस रिएक्शन के बाद वो सारे के सारे कार्बन एटम्स किसके पास चले गए सी के पास चले गए, गए। यानी कि प्रोडक्ट साइड में अगर कोई बाकी प्रोडक्ट्स भी बन रहे होंगे तो उनमें हो सकता है अदर एलिमेंट्स हो बट वहाँ पे कभी भी कार्बन नहीं होगा अदर एटम्स हो सकते हैं नॉट एलिमेंट्स बट वहाँ पे कभी भी ठीक है आपका क्या नहीं होगा कार्बन नहीं होगा सारा का सारा यहाँ का कार्बन यहाँ में कन्वर्ट हो गया है okay? ओके तो अभी जैसे यहाँ पर हम लोग इसमें पी लगाते हैं तो जब आप यहाँ पे पी लगाओगे तो देखो ये चीज़ कैसे में हो जाएगी यहाँ पे आप देखो कार्बन के कितने हैं एटम्स uh, तो so, आपको लगेगा कि दो है बट ब्रैकेट के बाहर में टू लिखा है ठीक है तो ये चीज़ कितना हो जाएगा आपका फोर मल्टीप्लाई बाय कैसे लिखेंगे पीओ सी मोल्स ऑफ के एच थ्री फिर यहाँ पे आएगा सी टू ओ फोर होल्ड टू फिर इक्वल टू में यहाँ पे कितने हैं कार्बन का एक तो वन मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ सी ओ टू अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है टू फिफ्टी फोर ग्राम आपको इसका वेट दिया हुआ है तो यहाँ पे तुम इस पर्टिकुलर चीज़ की जगह क्या लिख सकते हो टू फिफ्टी फोर अपॉन में तुम्हें उसके मोलिकुलर वेट की नीड है ठीक है तो पोटेशियम हो गया आपका थर्टी नाइन हाइड्रोजन हो गया तीन कार्बन तुम्हारे पास चार है तो ट्वेल्व फोर्स फोर्टी एट और ऑक्सीजन तुम्हारे पास कितना है ये चार और दो आठ ऑक्सीजन है तो सोलह इंटू आठ ठीक है तो ये वाली चीज़ तुम लोगों के पास कितनी हो जाएगी नाइन्टी सिक्स ठीक है तो ये वाला हो गया अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये पूरी की पूरी एडिशन आ जाएगी आप लोगों के पास अच्छा मैंने एक चीज़ गलत बोल दी सोलह इंटू आठ नाइन्टी सिक्स का वन ट्वेंटी एट सॉरी ठीक है इस पूरे को ऐड कर लो तो ये बारह और आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह और आठ बीस बीस ठीक है तो ये ऐड कर लेना इसका जितना भी मोलिकुलर वेट आता है करके तो इस तरीके से तुम इसका मोलिकुलर वेट निकाल लोगे तो लेट्स से इसका मोलिकुलर वेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्स इसको निकाला जा सकता है कि नहीं निकाल सकते करके निकाल तो सकते ही हो ना इसका मॉलिक्यूलर वेट अच्छा अब इसमें एक चीज़ और देखना यहाँ बाजू में टू एच टू ओ भी है तो अगर यहाँ बाजू में टू एच टू ओ है तो उस वाटर और क्रिस्टलाइजेशन को भी आपको इंक्लूड करना है तो हाइड्रोजन अब वाटर और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कितने आ रहे हैं चार तो वो भी इंक्लूड होगा और ऑक्सीजन कितने हो गए दो तो उनका थर्टी टू भी इंक्लूड होगा करके ठीक है ये वाली चीज़ याद रखोगे तो इसको जब तुम ऐड करोगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ ऐड होने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास निकल के आएगा यहाँ पे फोर कैरी हो गया थ्री तो तीन छः नौ नौ और चार तेरह तेरह और दो पंद्रह ये आता है टू फिफ्टी फोर ठीक है ये लो एक्स निकालना नहीं डायरेक्ट पुटी कर देती हूँ मैं टू फिफ्टी फ़ोर इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाई मोल्स और सी ओ टू तो अभी तुम्हें ये पता लगाना है कि कितने ग्राम की सी ओ टू है ना कि मोल्स तो वेट और सी ओ टू डिवाइडेड बाई सी ओ टू का मॉलिकुलर वेट तो देखो ये तो कट गया फोर्टी फोर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आती हूँ तो यहाँ पे सिंपल आंसर आ जाएगा वेट ऑफ सी ओ टू इज इक्वल टू हाउ मच वन सेवेंटी सिक्स ग्राम करके ये ऐसे लगाते हैं पी ओ एस तुम्हें तो कोई नीड नहीं है कि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है यहाँ पर क्या बना है करके सीधा आंसर डन ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में अच्छा अब यहाँ देखें तुम्हारे पास 0.32 पॉइंट थ्री टू मोल्स हैं किस चीज़ के 0.32 पॉइंट थ्री टू मोल्स हैं एल आई ए एल एच फोर के इसको हम लोग कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये आप लोग आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ये तुम लोगों का वन ऑफ दी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ठीक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये हम लोगों का एक रिड्यूसिंग एजेंट है इसको हमने एक ईथर के सल्यूशन में डाला कौन सा ईथर कुछ नहीं पता बस डाल दिया है ठीक है और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि साथ ही साथ में सेवेंटी फोर ग्राम ऑफ ठीक है आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल वॉज एडिड यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी आपने ऐड कर दिया तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है ये ठीक है अब यहाँ पे पहले तो अपन रिएक्शन लिख लेते हैं जितनी हम लोगों की समझ है कि आपके पास एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ठीक है एल आई ए एल एच फोर था अब इस एल आई ए एल एच फोर में तुमने क्या कहा है एक ईथर सोल्यूशन ऐड किया है अब ईथर सोल्यूशन का मतलब आप बहुत सारे टाइप के ईथर होते हैं ना तो तुम्हें कैसे पता कि कौन सा वाला यहाँ पे यूज़ किया हो गया होगा करके राइट तो हम लोग ये मान कर चलते हैं कि वहाँ पे जो ईथर है उसको ईथर ही लिखेंगे मुझे नहीं पता क्योंकि, क्योंकि कौन सा वाला ईथर यूज़ किया है तो प्लस में आ जाएगा ईथर और साथ में यूज़ किया गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इस चीज़ को कहते हैं ये छोटा सा बेसिक सा नॉमिंग क्लेचर टेंथ में पढ़ते हैं अपन इसे ये मैंने यहाँ बीच में ना ये कार्बन है क्योंकि ये क्या है कार्बन अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा सी एच थ्री सी एच थ्री और आपका सी एच थ्री और यहाँ पे ओ OH. एच ये तीनों चीज़ें जब आप मिक्स कर रहे हो तो वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है एल आई ए एल एच फिर सी एल टू फिर एच ट्वेंटी सेवन एंड ओ थ्री ये प्रोडक्ट बन रहा है अब इसमें तुम्हें क्या करना है प्रोडक्ट का वेट निकालना है चलो ठीक है निकाल लेंगे प्रोडक्ट का वेट लेकिन अब ऑब्वियस है कि तुम्हें क्या ईथर है ये तो दिया ही नहीं है साथ में बाई प्रोडक्ट क्या है ये भी नहीं दिया है तो ऐसे केस में तुम इस चीज़ को निकालोगे कैसे बराबर इस चीज़ को निकालोगे कैसे तो अब यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी पी ओ ए सी क्योंकि बैलेंसिंग हम कर नहीं सकते तो अब पी ओ ए सी लगाने के लिए हमें एक एटम को चूज़ करना पड़ता है तो वो सवाल को रीड करके आपको पता लगाना है कि कौन सा एटम उस रिएक्शन में कंजर्व्ड है हो सकता है कि क्वेश्चन में सारे ही एटम्स कंजर्व्ड हो लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है करके कि यहाँ पे लिथियम एटम्स कंजर्वड है तो जिस एटम को कंजर्व करने की बातचीत कर रहे हैं ना आप उस पर पी ओ ए सी लगाओगे ठीक है तो पी ओ ए सी लगा लो दोनों तरफ तो रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा वन मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ एल आई ए एल एच फोर ठीक है lialh4, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय ये जो तुम्हारा ये लंबा चौड़ा प्रोडक्ट है इसके मोल्स तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अभी तुम्हें प्रोडक्ट का वेट निकालना है ठीक है ना कि तुम्हें उसका क्या निकालना है करके आप लोगों को मोल्स तो अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके मोल्स हमको देखते हैं कितने दिए हैं अच्छा दिया नहीं है अगेन निकालना पड़ेगा तो एल आई ए एल एच फोर जैसे मैंने तुम लोगों को बताया करके कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसके अलावा अब कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए जैसे कि एल्यूमिनियम का मास कितना होता है वगैरह वगैरह तो इसके हिसाब से जो तुम्हारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो मोलिकुलर मास निकल के आता है वो आता है आप लोगों का थर्टी के आसपास ठीक है ये उसका एग्जैक्ट होता है तो तुम इसको कैसा निकाल सकते हो तो इसमें लगा लेना पी कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट थ्री टू बराबर और उसके बाद अच्छा इसमें तो लगाने की नीड ही नहीं है तो मोल्स ही दिए हैं डायरेक्टली मॉलिकुलर वेट की नीड नहीं है तो जीरो पॉइंट थ्री टू अरे वाह बज गए हम लोग वन मल्टीप्लाई बाय जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर वेट तो अब ये जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट है ना लिथियम एल्यूमिनियम फिर एक हाइड्रोजन दो क्लोरीन एच ट्वेंटी सेवन ओ थ्री तो इसका कैसे है मोलिकुलर वेट यहाँ निकाल लेना उस मॉलिकुलर वेट को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाना ठीक है तो तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट मिल जाएगा करके ठीक है क्लियर है यही चीज़ और अब आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे देखो क्या बोला गया है 27.6 ग्राम है के टू सी ओ थ्री का जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किस चीज़ के साथ आप लोगों के ये सीरीज़ ऑफ़ रिएजन के साथ ताकि सारे का सारा चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो जाए अब सीरीज़ ऑफ़ रिएजन मतलब पता नहीं क्या क्या डाला होगा बट जो भी हो तुम्हारा जो के टू सी ओ थ्री है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है के टू जेड एन थ्री और उसके अलावा एफ ई यहाँ पर सी एन सिक्स और यहाँ पे ये होल्टवाइज टू में ठीक है अब यहाँ पे देखो किस को कंजर्व रखने को बोला है ठीक है किसको यहाँ पे कंजर्व करने को बोला गया है यहाँ पे बोल रहा है टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स एटम ठीक है कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स एटम यानी कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एटम के कंजर्व करने की बातचीत नहीं कह रहा है यहाँ पे सब कुछ कंजर्व है ठीक है सब कुछ कंजर्व है ये वाली चीज़ यहाँ पे कह रहा है तो क्या करोगे इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे तुम क्या लगा लो आप लोगों का ये लगा लो कहते हैं पी ओ ए सी और जैसे ही तुम लोगों का पी ओ ए सी लग जाएगा तुम्हारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा करके ठीक है तो लेट्स मैं यहाँ पे कार्बन पे लगाती हूँ तो कार्बन पे लगाने पे देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ के टू सी ओ थ्री इक्वल टू कार्बन वहाँ पे कितने हैं ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू मोल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट अभी के टू सी ओ थ्री का यहाँ पे जो है आप लोगों को इसको निकालना पड़ेगा अपन को इस बार इसका मास क्यों इसका मास हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि इस बार मोल्स नहीं दिए हैं ठीक है ठीके? इस बार इसका क्या दिया हुआ है तुम लोगों को आ, वेट दिया हुआ है ठीक है तो अभी यहाँ पे वन इन टू उसका कितना दिया है वेट ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंट सिक्स राइट और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है वन थर्टी एट कैलकुलेशन कर लेना डबल ही है उसका ट्वाइस इन टू मोल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट ठीक है तो ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे वेट ऑफ़ दैट प्रोडक्ट और ये जो इतना लंबा चौड़ा सा दिया है इस लंबे चौड़े का क्या कर लेना है यहाँ पे मोलिकुलर वेट निकाल लेना और जैसे ही इसका मोलिकुलर वेट निकाल लोगे तो यहाँ पे इस चीज़ का तुम्हारे पास आंसर निकल के कैसे आ जाएगा करके ठीक है तो मेरे साथ से अब ये सवाल हो जाएगा कि किस तरीके से करना है बस इसमें एक बात का ख्याल रखना कि जो तुम लोगों का मोलिकुलर वेट है वो वाली चीज़ कैसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए करके ठीक है मोलिक्यूलर वेट अगर गड़बड़ हो गया तो फिर तो पूरा ही सवाल कैसे उलट पुलट जाएगा करके ठीक है ना ओके okay, तो आगे इसमें बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सवाल में तो बहुत ही छुटपुट सा है इसमें तो कुछ करना भी नहीं है तो मैं दिया है कि एक के एन ओ थ्री है जिसका वेट आपको दिया हुआ है डब्ल्यू ग्राम अच्छा ठीक है अंडर गो आ सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब के एन ओ थ्री में बहुत सारी रिएक्शन की गई और उसको अगेन देखो इसी में कन्वर्ट किया के टू जेड एन थ्री और यहाँ पे एफ ई यहाँ पे सी एन सिक्स और यहाँ पे होल ट्वाइस टू अच्छा अब बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दी प्रोडक्ट वेयर आर तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस बार स्पेसिफाई कर रहा है कि नाइट्रोजन आइटम सा कंजर्व तो यानी कि नाइट्रोजन आइटम पे पी ओ ए सी लगाओ तो यहाँ क्या होगा वन इंटू मोल्स ऑफ के एन ओ थ्री और यहाँ कितना हो जाएगा नाइट्रोजन कितने हैं छ और दो बारह तो ट्वेल्व इंटू ये मोल्स ऑफ ये लंबा चौड़ा प्रोडक्ट ठीक है अब के एन ओ थ्री का वेट कितना दिया हुआ है तुम लोगों को डब्ल्यू ग्राम के एन ओ थ्री का मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं लेकिन निकालेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे के एन ओ थ्री का मॉलिकुलर वेट को एम वन लेने को कह रहा है तो यहाँ पे एम वन लिखेंगे इक्वल टू ट्वेल्व इन टू तुम्हें क्या निकालना है प्रोडक्ट का वेट तो प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा उसका वेट लेट्स से उसका वेट ऐसे लिख देते हैं वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर वेट तो इज़ अ मॉलिक्यूलर वेट कितना लेने को कह रहा है एम टू ठीक है तो यहाँ से आपके पास वेट ऑफ प्रोडक्ट निकल के कितना आ जाएगा W इन में ये M2 टू अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे M1 और यहाँ पे ये 12 तो ये चीज़ आ गई तो क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोगों को ऑब्वियस है कि आप लोगों के वेरिएबल्स के टर्म में ही निकालना था ठीक है इसीलिए इस चीज़ को मैंने वेरिएबल के टर्म में निकाला बट होप oh, सो so कि पी ओ एसी के जो ऊपर के सवाल है उनमें कैलकुलेशन तुम कर लोगे यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट निकाल के वहाँ डाल देना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लोगे एंड ऊपर वाले में भी, भी यहाँ पे बस मोलिकुलर वेट पुट करना है तो ये थी तुम लोगों की सिंपल सी पी ओ ए सी अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक का सीखेंगे वो एक्चुअल में तुम लोगों का ये इम्पेरिकल फॉमूला और मोलिकुलर फॉमुला कैसे कैलकुलेट करते हैं ये वाली चीज़ सीखने वाले करके ठीक है